ये है इजिप्ट का द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। ये पिरामिड आज से लगभग 4000 साल पहले बनाए गए थे। इजिप्ट के अंदर कुल मिलाकर 138 पिरामिड है, लेकिन काहिरा के कैपिटल में बनाए ये तीन पिरामिड सबसे अलग पिरामिड है। ये तीन पिरामिड राजा कुफू, राजा काफ्रे और राजा काफ्रे के सेनापति काउरे के हैं। इन तीनों में कुफू का पिरामिड सबसे बड़ा है, जिसे कुफू ने अपने लिए बनाया था। इसे कुफू का पिरामिड या द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहा जाता है। और इनमें सबसे छोटा पिरामिड काफ्रे का है। पिरामिड को बनाने के लिए लगभग 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। इन पत्थरों में लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया गया है और इस पिरामिड की बाहरी दीवारों पर लगभग 1,44,000 पॉलिश लाइमस्टोन लगे हुए हैं, जो कि लगभग 8 फीट चौड़े थे। पिरामिड के ऊपर का नुकीला भाग सोने से बनाया गया था। जब पिरामिड बना था तब उसकी हाइट 481 फीट जितनी थी, लेकिन कुछ दिन पहले उसके ऊपर का 26 फीट का भाग टूटकर बिखर गया और उसकी ऊंचाई 455 फीट जितनी ही हो गई है। इस पिरामिड को बनाने के लिए लगभग 23 साल का टाइम लगा था। साइंटिस्ट हेनरी गॉटन ने हिसाब लगाया कि अगर 23 साल तक हजारों इंसान 365 दिन रोजाना 10 घंटे काम करते हैं, तो उन्हें हर एक मिनट पे एक पत्थर के ब्लॉक को रखना होगा। तो चलिए चलते हैं इस पिरामिड की कुछ खासियत पर। इन पिरामिड को ऐसे बनाया है जो कि आकाश में आए हुए एक नक्षत्र के तीन तारों के साथ एकदम सटीक तरह से मिलते हैं। इन नक्षत्रों का नाम ओरियन बिल्ट है। रात को देखने पर ये तीन पिरामिड इस नक्षत्र के तीन तारों एनियाटिक, एनियोलम और मिनाटिका के साथ एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, जो कि रहस्यमय बात है। पिरामिड की ऐसी क्रिएटिविटी को देखकर साइंटिस्ट अचंभित है, क्योंकि आज के समय में ऐसी क्रिएटिव चीजें बनाना लगभग नामुमकिन है। इन सब चीजों से उठकर एक ही सवाल आता है कि आखिर इन पिरामिड को 4000 साल पहले वो भी बिना टेक्नोलॉजी के कैसे बनाया होगा। उस समय में 70 टन के ब्लॉक को इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया होगा, जबकि आज के समय में क्रेन भी 20 टन का वजन ही उठा सकती है। ऐसे असंभव पिरामिड को देखकर कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि उस समय एलियंस धरती पर आए और उन्होंने इस पिरामिड को बनाने में इंसानों से मदद ली थी, और ये एलियंस उन्हीं ओरियन बेल्ट नक्षत्र के तीन तारों में से आए थे। सच बात तो ये है कि आखिर इन पिरामिड्स को इंसानों ने बनाया या एलियंस ने, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन उन तारों का पिरामिड के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। अगर पृथ्वी का ज्योग्राफिकल सेंटर निकाला जाए तो उसका सेंटर वही आता है जहां अभी ये पिरामिड्स बने हुए हैं। सबसे ज्यादा और गजब लगने वाली बात यह है कि गीजा के इन तीन पिरामिडों की चार बाजू ही है, लेकिन असल में उसकी आठ बाजू है जो कि ऊपर से दिखाई देती है। इन पिरामिड को कुछ इस तरह से बनाया है क्योंकि ये भूकंप आने से भी टूट नहीं सकते हैं। इजिप्ट के नजदीक ही उनका डेजर्ट है, उसकी वजह से वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा मात्रा में पड़ती है, लेकिन फिर भी पिरामिड की बनावट कुछ इस तरह से की है कि उसके अंदर का टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री ही रहता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो का दूसरा पार्ट आपको हमारे चैनल पर देखने मिलेगा, इसलिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए।